तो अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें बताना है कि किस कहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें यही बताना है कि कहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो चलिए हम बताते हैं कि कहाँ पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी मेरे पास टोटल 5 केस बनेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट मेरे पास क्या रहेगा, केस फर्स्ट मेरे पास रहेगा x x less than -1, और केस सेकंड क्या रहेगा, x = -1। फिर केस थर्ड मेरे पास क्या बनेगा, -1 less than x less than 1, और केस फोर्थ क्या बनेगा, केस फोर्थ मेरे पास बनेगा x x = 1, ठीक है। और केस फिफ्थ मेरे पास क्या बनेगा, केस फिफ्थ बनेगा मेरे पास x > 1। तो मेरे पास केस फिफ्थ बनेगा x > 1। तो सॉल्व हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेस देन और ग्रेटर देन वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम x = -1 पे चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे x = 1 पे। तो इन दोनों को हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि इन दोनों को हमें पूरी प्रोसेस के साथ सॉल्व करना है, और इन दोनों को तो हम इस तरह बता भी सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्व करेंगे केस फर्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले केस फर्स्ट, और यहाँ पे लिख देंगे for all x less than -1, ठीक है। x < -1 पे मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास -2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे f(x = -2)। तो अब यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे है फंक्शन क्या है, मेरे पास फंक्शन है -2 है। तो यहाँ से अब ये हम कह सकते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चन में हम कहे हैं ये मेरा 2 क्या है, 2 मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो यह इसलिए यह 2 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ बस सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे f is a constant function, hence f is a continuous, hence f is a कंटिन्यूअस। अगर उस तरह भी करेंगे तो हर जगह हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 आएगी, राइट हैंड भी लिमिट -2 आएगी, फंक्शन की वैल्यू भी मेरे पास -2 आएगी। उस तरह भी अगर करते हैं तो मेरे पास प्रोसेस से भी करते हैं तो सब जगह -2 आएगा। और इस तरह भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एफ इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस। एफ जब मेरा एफ मेरा कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसलिए एफ मेरा कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से मेरा केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे अपना केस सेकेंड। केस सेकेंड मेरे पास क्या लेते हैं, केस सेकंड हम लेंगे -1 less than x less than 1, ठीक है। केस सेकंड हम ये लिए हैं। तो चलिए केस सेकंड के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास 2x। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे केस सेकंड में मेरे पास for all -1 less than x less than 1, ठीक है। ये मेरा केस सेकंड है। इस -1 less than x less than 1 पे जो मेरा फंक्शन है वो है मेरा फंक्शन 2x, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) = फंक्शन क्या है, 2x, ठीक है, 2x है। तो यहाँ से हम चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेट c बी अ रियल नंबर। तो जब c को एक रियल नंबर लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2c आएगा, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी 2c आएगी, फिर राइट हैंड लिमिट भी मेरी 2c आएगी। तो उसके लिए उस समय को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं कि f इज अ, क्योंकि इन जाने मेरे पास फंक्शन है, तो अगर सब लिख करने लगेंगे तो मेरे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उस तरह भी कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, कोई इसको काट नहीं सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे f is polynomial function, ठीक है, f is continuous for -1 less than x less than 1, -1 less than x less than 1 पे यह जो मेरी फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है, क्योंकि यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक। तो यहाँ से मेरा केस फर्स्ट और केस सेकंड सॉल्व हो गया। अब हम इसका सॉल्व करेंगे केस थर्ड। तो केस यहाँ पे अब डाल लेते हैं अपना केस थर्ड। तो यहाँ पे अब हम कौन सा केस सॉल्व करेंगे, केस थर्ड नहीं, केस फिफ्थ हम सॉल्व करेंगे x > 1 पे हम अपना केस फिफ्थ सॉल्व करेंगे। केस थर्ड और केस फोर्थ हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसको पूरा फुल प्रोसेस से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे केस फिफ्थ
केस फिफ्थ हम सॉल्व कर रहे हैं, तो केस फिफ्थ मेरे पास क्या है, केस फिफ्थ है मेरे पास एक्स एक्स ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन लिख दिए। अब एक्स ग्रेटर देन वन वाला भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे जब एक्स ग्रेटर देन वन है, ठीक, तो इसके लिए एक्स ग्रेटर देन वन के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास टू है, टू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, टू है, ठीक है। जब फंक्शन टू है तो यहाँ से देखो हमको मालूम चल रहा है कि यह एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं यह एक कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। तो बस जैसे बाकी क्वेश्चन में लिख रहे थे वैसे इसमें भी लिख देंगे कि जैसे इस केस फर्स्ट में लिखे हैं उसी तरह केस फिफ्थ में लिख देंगे कि एफ एफ इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन हैंस हैंस एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट यहाँ पे फॉर लिख देते हैं, फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन पे यह मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि यह टू जो है वह एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे मेरा केस फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ से मेरा केस फर्स्ट है, फिर यहाँ से मेरा केस सेकेंड चालू हुआ है, फिर यहाँ से मेरा केस फिफ्थ चालू हुआ है, ठीक। तो यहाँ से मेरे तीन केस थे, ये तीनों केस को हम सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पे अब हम आते हैं x इज इक्वल टू माइनस वन पे आएंगे, ठीक है, ये वाला केस सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन फिर इज इक्वल टू माइनस वन था, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस वन था, एक ये केस था मेरे पास, और यहाँ पे एक ये केस था x इज इक्वल टू माइनस वन, एक हमें केस चेक करना है x इज इक्वल टू माइनस वन पे, और एक चेक करना है x इज इक्वल टू वन पे। x इज इक्वल टू माइनस वन पे मेरे पास फंक्शन क्या रहेगा, माइनस टू, और x यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल टू वन पे मेरे पास फंक्शन रहेगा टू एक्स, ठीक। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे केस थर्ड हम सॉल्व करेंगे, तो केस थर्ड क्या है मेरे पास, केस थर्ड है मेरे पास फॉर लिख देते हैं, फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये मेरा केस केस थर्ड था, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे हमें चेक करना है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे चलिए हम चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं, तो चलिए अब हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास फंक्शन क्या थी, फंक्शन मेरे पास यहाँ पे माइनस टू थी, तो यहाँ पे हम रख दिए माइनस टू। अब उसके बाद हमें क्या करना है, x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस वन, तो हम x की जगह रख लेंगे माइनस वन, ठीक है। तो x की जगह हम माइनस वन रखेंगे, तो अब यहाँ पे हम जान रहे हैं कि यह मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन है, जब कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही रह जाएगा माइनस का टू, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस वन से सॉरी माइनस वन, फिर यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वन माइनस वन से छोटे के लिए देखना है मेरे पास फंक्शन क्या है, ठीक है। तो वन से छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन है यहाँ पे टू, देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप भी, देखिए यहाँ पे मेरे पास वन से छोटी, तो यहाँ पे क्या था मेरे पास एक्स लेस देन माइनस वन, तो यहाँ से वन से सब छोटी जाता है, माइनस वन फिर माइनस टू फिर माइनस थ्री, तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या था, माइनस का टू, ठीक है। तो इसके लिए हम फंक्शन रख देंगे अपना माइनस का टू, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का, हाँ माइनस का टू है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का टू और यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स टेंस टू माइनस वन और यहाँ पे माइनस। अब इसको हम देखिए, अब यहाँ पे जब ये माइनस टू ही मेरा क्या है, माइनस टू मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू मेरी सॉल्व हो गई। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, ठीक है, वन प्लस मतलब वन से बड़े के लिए, तो वन से बड़े के लिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास माइनस वन प्लस, माइनस वन प्लस पे हमें देखना है कौन सा फंक्शन आता है मेरा, तो माइनस वन प्लस पे मेरे पास फंक्शन आएगा टू एक्स, ठीक है, कि टू एक्स मेरा फंक्शन आएगा, ठीक है। तो वन माइनस यहाँ पे होगा माइनस वन प्लस, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन आया है टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है टू एक्स, तो यहाँ पे हम रख दिए हैं टू एक्स, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद हमारे पास टू एक्स है, तो इसे अब हम सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक।
तो चलिए अभी इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह हम रखेंगे माइनस का वन। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे रखेंगे हम अपना, सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपना रख देंगे टू, ठीक है। टू के बाद हम रखेंगे क्या, एक्स की जगह रखेंगे माइनस वन, ठीक है। एक्स जो है मेरा माइनस वन है, यहाँ पे हमें माइनस वन रख देंगे, हमें प्लस का एच रख देंगे, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी भी रखना है यहाँ पे प्लस, मतलब थोड़ी सी बड़ी के लिए, जैसे हम बाकी क्वेश्चन में एच रखते आए हैं उस तरह हम इस क्वेश्चन में भी एच रख दिए हैं। तो माइनस वन प्लस एच, अब यहाँ पे दिखा देंगे एच मेरा क्या है, एच है मेरा जीरो, ठीक है। तो बस अब इसको हम सॉल्व कर देंगे कि यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास टू, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन प्लस जीरो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा टू, सॉरी यहाँ पे लिमिट नहीं लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस वन प्लस जीरो। तो यहाँ पे माइनस वन प्लस जीरो, वन में जीरो ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन में टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस का टू, ठीक। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस का टू। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए मेरा फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू मेरी क्या थी माइनस वन। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस वन, ये मेरे तीनों जो है इक्वल आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस, लास्ट में लिख देंगे हम नीचे हेंस एफ इज कंटिन्यूअस, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू टू पे, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे जो मेरी फंक्शन है यह कंटिन्यूअस है, ठीक। तो यहाँ से मेरा केस फर्स्ट हो गया है सॉल्व। यहाँ पे हम केस फर्स्ट सॉल्व किए हैं, केस सेकंड सॉल्व किए हैं, केस फोर्थ सॉल्व किए हैं और केस थर्ड सॉल्व करनी है। अब मेरे पास एक केस बची है, अब उस केस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपना केस फोर। केस फोर मेरे पास क्या था, एक्स इज इक्वल टू वन। तो अब हम x इज इक्वल टू वन पे चेक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू वन। चलिए अब इस पर चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू वन पे मेरे पास फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू वन पे मेरे पास फंक्शन है 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे f x इज इक्वल टू 2x। अब 2 x की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो x की जगह हम रख देते हैं अपना 1 रखते हैं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई, यहाँ से 2 आ गई, ठीक है। अब हम अपना सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अब लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, वन से छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, वन से छोटे के लिए मेरे पास, जैसे यहीं पे वन से छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन था 2x, तो यहाँ पे हम रख देंगे वन से छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन है यहाँ पे 2x। तो यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे हम रख दिए 2x, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 2x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2, ठीक है। और x की जगह हम 1 रख देंगे तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1। 1 से थोड़ी सी छोटे के लिए यहाँ पे हम h रखते आए हैं तो h रख देंगे, और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, h दिखा दिए मेरा 0 है। तो बस यहाँ से मेरा सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2 1 माइनस 0, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई 2। अब हमें क्या करना है सॉल्व, अब हमें सॉल्व करना है अपनी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हमें लिखना है लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, वन प्लस के लिए मतलब वन से बड़े के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, वन से बड़े के लिए मेरे पास एक्स ग्रेटर देन वन, वन से बड़े के लिए मेरे पास फंक्शन है 2। तो यहाँ पे हम फंक्शन रख देंगे, अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन रखेंगे लिमिट, यहाँ पे रख देंगे 2, सिर्फ और सिर्फ 2 रखेंगे, और एक्स टेंस टू वन प्लस, देखिए यह मेरा एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आई है। तो यहाँ पे जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में लिखते आए हैं कि यहाँ पे फिर उसके बाद हम लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, हाँ वन माइनस, फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस इज इक्वल टू एफ वन पे मेरे फंक्शन क्या है, फंक्शन मेरी यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो ये लिखेंगे एफ इज
तो बस मेरा तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख देंगे एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पे मेरा जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में भी मेरे पास टोटल 5 केस थे, तो पांचों केस को हम यहाँ पे अपना डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर है ये मेरा 17, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 मेरा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू 3। ये बोल रहा है कि एक्स इजिकल टू 3 पे ये मेरा फंक्शन जो है यह कंटिन्यूअस है, ठीक है। और हमें इसमें बताना है रिलेशनशिप ए एंड बी में, तो हमें ए एंड बी की वैल्यू नहीं फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ ए और बी में हमें रिलेशनशिप बताना है कि ये ए और बी में रिलेशनशिप मतलब कोई एक ए या बी का हम फंक्शन बनाकर छोड़ दें, हमें कोई इसका दैट्स इट वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं बताना है ए और बी का, सिर्फ और सिर्फ ए और बी का फंक्शन बना देना है के फंक्शन में बनाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें बोला है कि x इक्वल टू 3 जो है वो कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू x टेंस टू 3 प्लस और यहाँ पे एफ 3, ये मेरा कंटिन्यूअस है, तो ये तीनों इक्वल है, ठीक। अब उसके बाद चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 माइनस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 माइनस मतलब 3 से छोटी के लिए मेरे पास क्या है, लेस देन के लिए मेरे पास फंक्शन है ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हम फंक्शन अपना रख लेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिखेंगे लिमिट फंक्शन मेरे पास क्या है लेस देन के लिए ए एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस 1 और यहाँ पे x लेस देन 3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास बड़े के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है b x plus 3, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो लिमिट लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास फंक्शन क्या है बड़े के लिए b x plus 3, तो यहाँ पे लिख देंगे b x plus 3 और यहाँ पे लिख देंगे b x plus 3, अरे यार x टेंस टू 3 माइनस, यहाँ 3 प्लस होगा और यहाँ पे x टेंस टू 3 माइनस, ये चीज़ अभी यहाँ पे हो गई, ठीक है। वहाँ पर सोचा था डायरेक्ट करना, तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है एफ 3 पर, मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन x इज इक्वल टू 3 यहीं पर है, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है, तो ए एक्स प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे a और यहाँ पे लिख देंगे इनटू x की जगह हम अपना रख देंगे 3 और यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, ठीक है, ए एक्स मेरे पास है ए एक्स प्लस 1, तो x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह हम अपना 3 रख देंगे, ठीक है। तो ए यहाँ पे रख देंगे, x की जगह हम 3 रख देंगे। अब 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखना है, तो थोड़ी सी छोटी की जैसे हम h रखते हुए आए वैसे यहाँ पे भी h रख देंगे और प्लस का 1, तो प्लस का 1 और h दिखा देंगे h टेंस टू 0 है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं उसी तरह, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, उसी तरह यहाँ पे भी हमें दिखा देंगे कि जो h है वो h थोड़ा सा बड़ा में है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो b हो जाएगा, फिर यहाँ पे x की जगह यहाँ पे जो x है वहाँ यहाँ पे मेरा x की जगह यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 रख दिए हैं, फिर प्लस का h, फिर प्लस का मेरे पास है 3, ठीक। अब यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे इसको लिख देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास a में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a plus 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मेरा सिंपली आसानी से यहाँ पे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग जैसे बाकी क्वेश्चन में हम करते आए हैं वैसे ही इसमें भी हम करते जा रहे हैं, तो यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम सिंपली समझ में आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा a और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस h की जगह हम 0 रख देंगे, क्योंकि यहाँ 0 है तो h की जगह 0, यहाँ पे प्लस का 1, ठीक। अब यहाँ पे भी वही कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा b और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस h की जगह 0, तो यहाँ पे हो गया 0 प्लस का 3 और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3a plus 1।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3a, और 3 में देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 में a का मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस आ गया यहाँ पे, 3a प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे जब करेंगे 3 में प्लस करेंगे 0 तो मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक है। 3 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3b प्लस का 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या क्वेश्चन में बोला है, ए एंड बी में रिलेशनशिप बताना है। चलिए अब हम ए एंड बी में रिलेशनशिप बता देते हैं, या तो हम इन दोनों को लेकर रिलेशनशिप बता देंगे, या तो हम इन दोनों को लेकर रिलेशनशिप बता देंगे। तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप 3a+1 और 3b+3 में हम इसका रिलेशनशिप बता रहे हैं, मतलब इन दोनों को लेकर हम इसका रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो चलिए इसका हम रिलेशनशिप बता देते हैं। तो रिलेशनशिप बताने के लिए इसको पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 3a+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3b+3, ठीक। तो यहाँ पे 3a+1 और यहाँ पे 3b+3 हो गया। तो यहाँ पे हम 3a+1 और 3b+3 में हम इसका रिलेशनशिप बता रहे हैं ए और बी का। क्वेश्चन में हमें बोला था ए और बी का रिलेशनशिप बताइए, ना कि इसका वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बताना। तो चलिए हम यहाँ से इसका रिलेशनशिप बता देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3a इज इक्वल टू 1 को हम इधर भेज देते हैं और बी को इधर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3b, यहाँ पे हो जाएगा 3b+3 और 1 को इधर भेज दिए तो माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3b, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्लस का 2, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया 3b+2 और यहाँ पे हो गया 3a, ठीक है। तो बस यहाँ तक भी सॉल्व छोड़ देंगे तो मेरा सही है, ठीक। और इसको आगे और चाहे सॉल्व करना तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा a, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3b+2 अपान में हो जाएगा 3, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे इसको आगे अगर यहाँ तक भी हम देखिए यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो मेरा सही है, ठीक है। और बुक के आंसर से भी हम छोड़ना चाहते हैं, तो बुक के आंसर से मिलाना चाहते हैं, तो बुक का आंसर मेरा ये है, ए इज इक्वल टू 3b/3 2/3। तो 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे मेरे पास हो गया a इज इक्वल टू b+2/3। बुक का आंसर ये है मेरा, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17 में, पहले तो हमें कंटिन्यूअस था x इज इक्वल टू 3 पे, ये मेरे जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस थी, तो ये हम कंटिन्यूअस दिखा दिए हैं। फिर उसके बाद हमें बोला था कि a और b में इसका रिलेशनशिप बताइए, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बताइए। यहाँ पे हम a और b में इसका रिलेशन बता दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें ए और बी में रिलेशन बताना था, ना कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करना था। सिर्फ और सिर्फ हमें ए एंड बी में रिलेशन बताना था। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए और बी का, मतलब ए और बी का यहाँ से रिलेशन हो गया, ठीक है। ए और बी को हम एक साथ, मतलब इसका रिलेशन बता दिए हैं ए और बी का, ठीक। तो यहाँ पे ए का यहाँ से रिलेशन आ गया है, और इसी तरह ए और यहीं पर मेरा। हेलो एवरीवन, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूअस एट x=0, ठीक है। x=0 यानी कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है x=0 पर कंटिन्यूस होगा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमारा जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x=0 पर ये कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो इसके लिए हमें x=0 पर तब कंटिन्यूस होगा जब लैम्डा की हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ लैम्डा की x=0 पर अगर कंटिन्यूस होता है तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड सॉल्व करेंगे, फिर इसका राइट हैंड सॉल्व करेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू सॉल्व करेंगे, और फिर देखते हैं कि हमें लैम्डा की वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। अगर लैम्डा की वैल्यू मिलेगी तो ये जो मेरी फंक्शन है यह फंक्शन मेरी कंटिन्यूस होगी, ठीक है। तो चलिए हम इसमें, और दूसरा इसमें क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x=0। हमें ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम पीछे का सॉल्व करते हैं वैसा ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि x=1 पे हमें बताना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका इसमें दो क्वेश्चन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है कि x=0 पर जब हम लेफ्ट हैंड
लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तब देखना है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर ये कंटिन्यूस होगा। तब कंटिन्यूस होगा जब यहाँ पे हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं, सबसे पहले इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड निकालेंगे, फिर राइट हैंड निकालेंगे और फिर इसके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे इसका जो फंक्शन है वह कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं। अगर कंटिन्यूस होगा तो हमें वहां पर लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। कंटिन्यूस तब होगा जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। अगर लैम्डा की वैल्यू नहीं निकलती है तो ये मेरा क्वेश्चन एक्स इक्वल टू जीरो पर यह फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, लिमिट एक्स जीरो पे निकालना है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट से पहले निकाल रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस पर निकाल रहे हैं और एक्स टेंस टू जीरो माइनस मतलब इसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, तो यहीं से मेरे पास एक्स इक्वल टू जीरो भी है, तो यहीं से मेरे पास फंक्शन यही वाला यहाँ पे दिया है। एक्स इक्वल टू जीरो पर मेरे पास फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो पर मेरे पास फंक्शन है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए इसका मेरे पास फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए यहाँ से हम फंक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट लिमिट लिखेंगे यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो माइनस, और फंक्शन मेरे पास है लेमडा, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स टू एक्स, ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा लेमडा, और यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास जीरो रखा जाएगा, तो यहाँ पे हम रख देंगे जीरो। अब हमें जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखना है, तो जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में एच रखते आए हैं वैसे इसमें भी रख देंगे एच, और इसके बाद यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे हम माइनस, यहाँ पे टू, और फिर उसके बाद एक्स की जगह हमें जीरो रखना है, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे, उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखना है, तो उससे थोड़ी सी छोटी के लिए हम एच रखते आए हैं, तो एच रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा हो गया। अब उसके बाद एच क्या है, एच यहाँ पर दिखा देते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच जो है वो मेरा जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा, यहाँ हो जाएगा जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस टू और जीरो माइनस जीरो, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा पहले तो लेमडा, फिर उसके बाद जीरो में से जीरो माइनस करेंगे मेरे पास आ जाएगा जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद जीरो में जीरो माइनस करेंगे तो जीरो, जीरो में टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें मिल गया जीरो, ठीक है। तो हमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिल गई जीरो, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। तो इस राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं हम अब इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो से बड़े के लिए हमें देखना है, तो जीरो से बड़े के लिए, जीरो से बड़े के लिए हमारे पास तो इसमें जीरो से छोटे के लिए फंक्शन ये है। अब जीरो से बड़े के लिए मेरे पास फंक्शन कहाँ है, देखिए यहाँ पे हमें जीरो से बड़े के लिए फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो है और यहाँ पे एक्स एक्स लेस देन जीरो था, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, ये है। तो यहाँ पे हम फंक्शन अपना लिख लेंगे, यहाँ से हम सीधे अपना फंक्शन लिख लेंगे, डायरेक्ट फंक्शन लिखते हैं फोर एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन मिल गया फोर एक्स प्लस वन। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट और यहाँ पे हो जाएगा फोर और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास फोर, उसके बाद मेरे पास एक्स है, ठीक है। तो एक्स की जगह में क्या रखना है, एक्स की जगह में जीरो रखना है, तो यहाँ पे हम रख देंगे जीरो। अब जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी हम एच रखते हैं, तो थोड़ी सी बड़ी के लिए भी हम एच रख देंगे, ठीक। उसके बाद मेरे पास प्लस का वन है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा हो गया सॉल्व। फिर उसके बाद हमें दिखा देंगे एच क्या है, मेरा एच है एक जीरो है, ठीक है। एच किसकी तरफ ट्रेंड कर रहा है, एच ट्रेंड कर रहा है जीरो की तरफ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा फोर, फिर यहाँ पे आ जाएगा जीरो, फिर प्लस एच की जगह हम क्या रख देंगे, एच की जगह हम रख देंगे जीरो, ठीक है। एच की जगह हम जीरो रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस का वन, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास जीरो प्लस जीरो, जीरो हो जाएगा। जीरो में हम फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट मेरे पास वन आ गई। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आई थी और राइट हैंड लिमिट वन आ गई। तब आप देखिए यहाँ से जो मेरे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं आई है, तो मेरे पास अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के इक्वल रहती, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल रहती और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल रहती, तब मेरे पास तब हमारे पास लेमडा की वैल्यू मिलती, ठीक है। जब ये दोनों मेरे पास इक्वल ही नहीं है तो लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी, लेमडा की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट,
यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे लिमिट लिमिट यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स यहाँ पे मेरे पास एक्स टेंस टू जीरो प्लस ये हमारी दोनों इक्वल नहीं है तो इसलिए मेरे पास लेमडा की वैल्यू नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमें यहाँ पे क्यों नहीं मिली है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस नहीं है। तो बस लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे सो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे सो फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा लेमडा और यहाँ पे लिख देंगे ये तो हो गया लेमडा लेमडा फंक्शन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो पर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए मेरे पास लैम्डा की वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला था कि अगर अगर यह जो फंक्शन है अगर यह सीधा सीधा कहा जाए तो क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर यह जो मेरी फंक्शन है एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर कंटिन्यूअस होगी तब तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे की इक्वल रहेगा तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेगा तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नहीं मिलेगी। तो देखिए जब ये एक दूसरे ये दोनों जीरो और वन के इक्वल नहीं है तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू इसलिए यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास इसका क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसका हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे जो कि सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, सेकंड क्वेश्चन में बताना है एक्स इक्वल टू जीरो पर अरे सॉरी एक्स इक्वल टू वन पर ये जो मेरी फंक्शन है वह कंटिन्यूटी है या नहीं है। ठीक, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, सबसे पहले यहाँ पे हम इसका एक्स इक्वल टू वन पे चेक कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका क्या चेक करेंगे, इसका यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फिर फंक्शन। ठीक, या फिर पहले फंक्शन चेक कर सकते हैं फिर लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे मन वैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है एक्स इक्वल टू वन पे। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस वन से छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, तो देखिए जब वन से छोटे के लिए अगर हम फंक्शन देखेंगे वन माइनस वन से छोटे के लिए, तो वन से छोटे के लिए मेरे पास यहाँ पे है एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये वन से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा फंक्शन मेरे पास हो जाएगा फोर एक्स प्लस वन, तो ये मेरे पास फंक्शन हो गई। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट लिमिट फोर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास x की जगह हम वन रख देंगे। ठीक है, और x से थोड़े से छोटे के लिए हम यहाँ पे h रख देंगे। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ पे वन रख देंगे। ठीक, और यहाँ पे h दिखा देंगे, h जो है वो मैं ट्रेंड कर रहा है जीरो की तरफ। ठीक है, यहाँ से ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व हो गया। यहाँ पे आ जाएगा फोर, यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस जीरो, और यहाँ पे प्लस का वन, तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली वन। ठीक है, तो यहाँ पे फोर है, फिर यहाँ पे वन माइनस जीरो, तो फोर वन में से जीरो माइनस करेंगे तो वन आएगा, फिर वन में फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आएगा, फोर में वन ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे फाइव आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया फाइव। अब हम इसका सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, अब हम इसकी सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, मतलब वन से बड़े के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, वन से बड़े के लिए मेरे पास फंक्शन है एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इसके लिए भी मेरे पास फंक्शन यही होगा फोर एक्स प्लस वन। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर एक्स, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा वन से बड़े के लिए भी मेरे पास यही फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लिमिट आ जाएगी, और यहाँ पे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम टू सेम वही चीज आएगी मेरे पास यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट एस टेंस टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास फोर, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स की जगह हो जाएगा वन, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस वन प्लस थोड़ी से बड़े के लिए हम क्या रखते हैं, थोड़ी से बड़े के लिए हम एच रखते हैं, तो एच रख देंगे, फिर प्लस का वन, यहाँ पे प्लस का वन है तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर, फिर यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस जीरो,
1 + 0 + 1 भी तो है, प्लस 1, तो ये आ गया मेरा, आ जाएगा यहाँ पे 1 में 0 ऐड करेंगे तो मेरे पास 1 होगा, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 4 होगा, सॉरी 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू हमें चेक करना है, एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, डायरेक्टली एक्स की जगह यहाँ पे 1 रख देते हैं, और यहाँ पे फंक्शन की फंक्शन में अरे यहाँ पे मेरे पास 1 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या था, इसके लिए भी मेरे पास फंक्शन है 4x + 1, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 और x की जगह रख देंगे यहाँ पे 1, यही चीज़ है, यही इसके लिए भी यूज किया जा रहा है। तो 4x की जगह हम 1 रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास प्लस का 1, तो ये भी मेरे पास आ जाएगा 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5। तो यहाँ पे मेरे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गई, तीनों इक्वल आ गई है। तो यहाँ पे बस हम लिख देंगे कि हैंस एफ इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देंगे हैंस एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एट एक्स इक्वल टू 1 पे, ये मेरी फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट आल इंटीग्रल पॉइंट। हमें क्वेश्चन नंबर 19 में ये बताना है कि आल इंटीग्रल पॉइंट पे ये जो मेरी फंक्शन है वह डिसकंटिन्यूअस है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन नंबर 19 में शो करना है कि आल इंटीग्रल पॉइंट पे ये मेरी फंक्शन जो है वह डिसकंटिन्यूअस है, यही चीज़ हमें शो करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसका जिक्र किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि आल इंटीग्रल जो मेरी यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होता है। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अगर जीरो, हम यहाँ पे मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि अगर जीरो है और यहाँ पे 0.001 है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या ये, ठीक। तो इसके अंदर ये चीज, अगर इसके अंदर ये चीज हम रखते हैं 0.001 अगर रखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जब बाहर ये निकलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, तो ये मेरे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होती है। इसी तरह एक और देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे 1.00 रखते हैं, यहाँ पे मेरे पास दिया 1.00, अगर ये हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालते हैं 1.00, ठीक, तो ये बाहर निकल के सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर मेरे पास 1.1 से लेकर 1.9 तक में अगर हम कुछ भी रखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है, अगर 1.1 दिया है तो अगर 1.1 इसके अंदर रखते हैं तो बाहर निकल के मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 1.9 दिया हुआ है तो 1.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब रखेंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब रखेंगे और ये जब बाहर निकलेगा तो ये मेरा बन जाएगा 1। इसी तरह अगर मेरे पास 1 दिया हुआ है तो अगर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 1। इसी तरह 1.2 दिया हुआ है तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखेंगे तो ये मेरे पास 1.2 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखेंगे तो ये भी मेरे पास हो जाएगा 1। यहाँ पर डायरेक्ट सीधा सीधा कहा है तो 1 से लेकर 1.9 तक अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो ये मेरे पास 1 देगा, ठीक है, ये बाहर निकल के मेरे पास 1 हो जाएगा। साफ साफ इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे दिया जाता है 2.11, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2, यहाँ पे मेरे पास रखेंगे 2.11 तो यहाँ पे बाहर निकल के मेरे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह 2.1 से लेकर 2.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग आप समझ गए होंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को आल इंटीग्रल पॉइंट पर हम कैसे सॉल्व करें। तो आल इंटीग्रल पॉइंट पे तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए भी हम जैसे रियल नंबर के लिए कोई सी को हम लेट कर ले रहे थे, उसी तरह आल इंटीग्रल पॉइंट के लिए हम ए को लेट करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट ए बी अ इंटीग्रल इंटीग्रल लेट ए बी अ इंटीग्रल सच दैट
यहाँ पे लिख देंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू आई, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, ठीक। अब देखिए, अब हम इसका सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वैसे अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एक्स, सॉरी लिमिट लिखेंगे एक्स टेंस टू ए पर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिए हैं, अपना लेट किए हैं ए। हमें आल इंटीग्रल पॉइंट के लिए चेक करना है, तो आल इंटीग्रल पॉइंट में तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो चेक करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उसमें से कोई एक नंबर को लेट कर लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम ए को लेट कर लिए हैं, तो ए को लेट कर लिए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। ए माइनस यानी ए से थोड़ी सी छोटी, ठीक है। तो ए से थोड़ी सी छोटी के लिए यहाँ पे अब हम इसको यहाँ पे जी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स माइनस, और यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास ये हो गया इसका फंक्शन, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की जगह हम लिखेंगे, एक्स की जगह रख देंगे ए, ठीक है। और ए से थोड़ी सी छोटी, जैसे हम बाकी क्वेश्चन में एच लिए हैं, उस तरह इसमें भी एच ले लेंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे फिर ए माइनस, फिर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ए माइनस एच, ठीक है। मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मेरे पास आ जाएगा ए माइनस एच। फिर देखिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके ए माइनस एच यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें भी यहाँ पे एच क्या है, एच मेरा है 0, ठीक है। एच किसकी तरफ ट्रेंड कर रहा है, एच ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ, ठीक है। तो एच जो होता है वो मेरा 0 नहीं होता है, एच जो ट्रेंड कर रहा है 0, यहाँ पे जो एच रखे हैं वो 0 नहीं होता, 0 से बस थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि 0.00001, मतलब थोड़ा सा, बस 0 से बस थोड़ा सा छोटा होता है। तो अगर उसको हम इसमें रखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस चीज़ को भी एक बार एक्सप्लेन करते हैं, कि अगर पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे चलिए पहले उसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम ए माइनस एच, अगर यहाँ पे हमें 0 रखना है, तो 0 हम नहीं रखते हैं, 0 से बस थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखते हैं। तो 0 से थोड़ी सी छोटी के लिए, मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस चीज़ को हम एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं, जैसे मान लीजिए ए की जगह हम रख लिए हैं 2, ठीक है, और एच की जगह हमें थोड़ी सी छोटी रखना है, ठीक है। तो ये जो 0 रहती है, 0 नहीं रहती है, 0 से बस थोड़ी सी छोटी रहती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस, ये कुछ इतनी छोटी रहती है, 0 माइनस 0001, ये कुछ इतनी छोटी रहती है, ठीक है। 0 माइनस 001 रखिए, ठीक। तो ये बस ये कुछ इतनी छोटी रहती है, ये 0 नहीं रहती है, ये 0 माइनस 001 रहती है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अगर इसी तरह जैसे हम ऊपर बताए हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक, इसके अंदर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम 2 रखते हैं, तो बाहर निकल के 2 आएगा। उसी तरह यहाँ पे हम बताए हैं कि अब हमें क्या करना है, ए में से एच माइनस करना है, ठीक है। तो ए तो में हम मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लिए हैं, और एच की जगह हम ले लिए हैं 0.001, क्योंकि ये एच है वो 0 नहीं होता, बस 0 से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं 0 माइनस 001, तो 0 माइनस 001 में अगर ए में हम 0.00001 माइनस करेंगे, तो मेरे पास आएगा, यहाँ पे देखिए, अगर ए में हम एच को माइनस कर रहे हैं, ए क्या है मेरा, ए है मेरा 2, ठीक है, ए मेरा है, यहाँ पे लिख दीजिए ए मेरा है 2, और एच मेरा क्या है, एच मेरा है 0.001, ठीक है। तो अब इसको हम जब 0.001 को जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2, जब इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1.0, यहाँ पे आ जाएगा 1.1.009,
यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1.009, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है। जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आ जाएगा तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। जैसे हम बाकी की ऊपर में अभी आपको ये चीज़ समझाए हैं और ये चीज़ आप क्लास 11th में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे उसकी बात की गई थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो इसलिए क्वेश्चन में भी बोला है, तो इसलिए हम सोचे कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। तो यहाँ पे एक बार से इस चीज़ को भी रख के हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक। तो उसी तरह ये चीज़ आप मत क्वेश्चन में मत सॉल्व कर दीजिएगा, ये चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आया, जब यहाँ पे टू में से हम 0.001 माइनस किए तो मेरे पास आया 1.0009। तो इसको जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहाँ पर रखे हैं तो ये 1.009 मेरे पास बाहर निकला तो सिर्फ और सिर्फ 1 आ गया, ठीक। तो उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ नीचे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं तो इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, इस चीज़ को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम एच की जगह क्या रखेंगे, एच की जगह हम रखेंगे 1, ठीक है, क्योंकि मेरा एच जो होता है वो 0 नहीं होता है, 0 से बस थोड़ा सा छोटा होता है, तो थोड़ा सा छोटा रखे हैं तो मेरे पास आया 1.001। तो इसी तरह करके मेरे पास आ गया 1, ये चीज़ हमको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बता रहे थे कि अगर लिमिट h टेंस टू 0 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास a माइनस एच था और यहाँ पे मेरे पास इसको ब्रैकेट से थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, तो a माइनस a की जगह हम h की जगह क्या रखेंगे, h की जगह यहाँ पे मेरे पास आया है 1, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक। तो यहाँ पे हो गया ये चीज़, अब ये चीज़ हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे तो मेरे पास ए आ जाएगा, ठीक है, और एच की जगह मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ए की जगह ए हो जाएगा, ठीक है, और एच की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 हो जाएगा, ठीक। तो ए से ए कट गया, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 1। तो यहाँ पे इस तरह से मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 1, ठीक है। अब इसका हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ए प्लस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जी एक्स हो जाएगा, ठीक है, जी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स, फंक्शन क्या दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स दिया हुआ था और यहाँ पे एक्स टेंस टू ए प्लस है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट एक्स की जगह हो जाएगा मेरे पास ए, ठीक है, और ए से थोड़ी बड़ी के लिए हम क्या रखे हैं, थोड़ी बड़ी के लिए एच रखे हैं, यहाँ पे हो गया एच। फिर इसी तरह यहाँ पे भी रख देंगे ए, यहाँ पे ए, सॉरी ए, यहाँ पे ए रखेंगे, ए रखेंगे और ए ए के फिर बाद में हम रखेंगे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ तो सॉरी एक्स है, एक्स है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया ए ए प्लस एच और यहाँ पे मेरे पास हो गया ए प्लस एच और यहाँ पे हो गया मेरे पास ए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया मेरे यहाँ पे, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा x है ना, तो a प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस एच और यहाँ पे a प्लस एच, यहाँ पे a प्लस एच नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ a होगा, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया a प्लस एच और यहाँ पे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में a, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास दिखा देंगे h टेंस टू 0, ये h जो है वो ट्रेंड कर रहा है किसकी तरफ, 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा a, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 0, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा a, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास a से a कट जाएगा, ठीक, a से a कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई, सॉरी राइट हैंड लिमिट 0 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास 1 आई है, ठीक। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में कि सो एफ इज अ कंटिन्यूअस, सो एफ इज नॉट नो कंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल, ठीक। फिर उसके बाद लिखेंगे एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे ये जो मेरी इंटीग्रल नहीं है,
ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जैसे बाकी क्वेश्चन में लिख रहे थे कि लिमिट लिमिट जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट, देखिए मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए बस हम यहाँ पे लास्ट में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे हम लास्ट में लिख दे रहे हैं कि क्या होगा लास्ट में। सो एफ इज नो कंटिन्यूअस, नो कंटिन्यूअस फिर फॉर फॉर आल इंटीग्रल, आल इंटीग्रल ठीक है, आल इंटीग्रल के लिए ये जो मेरा है कंटिन्यूअस नहीं है, और लास्ट में लिख देंगे हेंस हेंस यहाँ पे लिख देंगे हेंस एफ इज डिस डिसकंटिन्यूअस एट आल इंटीग्रल, आल इंटीग्रल पॉइंट ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे हो गया आल इंटीग्रल पॉइंट के लिए यह जो मेरी फंक्शन थी वह डिसकंटिन्यूअस थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रखे थे a प्लस एच और यहाँ पे हम a रखे हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो हम ऊपर वाले में a माइनस एच रखे थे फिर a माइनस एच रखे थे और यहाँ पे सिर्फ हम क्यों a रखे हैं ठीक। तो इस चीज़ को हम आपको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है इसलिए हम इसको a रखे थे, इस चीज़ को हम अभी आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास a क्यों रखे हैं ये चीज़ हम बताते हैं अभी ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ वहाँ पे मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था यानी a प्लस था ठीक है, राइट हैंड लिमिट में मेरे पास a प्लस होता है ठीक। तो a प्लस होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास a क्या था, a है मेरे पास 1 ठीक है, और h क्या है, h मेरे पास 0, हमारा जो h था वो 0 की तरफ टेंड कर रहा था यानी 0 से थोड़ी सी बड़ी ठीक है। तो 0 से थोड़ी सी बड़ी के लिए हम क्या लेते हैं, 0 से थोड़ी सी बड़ी के लिए हम लेते हैं 1.001 लेते हैं ठीक है, ए से वन से थोड़ी सी बड़ी के लिए हम 1.001 ले लिए ठीक। अब ए में एच को ऐड कर देते हैं, मतलब 1 में 1.001 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1.009, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1.009। अब 1.009 को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहाँ पे डाल देते हैं, 1.009 को हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाल दिए तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आ गया मेरे पास a। जैसे यहाँ पे हम रखे थे, यहाँ पे अगर हम रखते हैं a माइनस, जैसे यहाँ पे रखे थे a माइनस h ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको आप सोचते होंगे कि यहाँ पे भी रखना चाहिए था a प्लस एच और यहाँ पे भी इस तरह रखना चाहिए था a माइनस, यहाँ पे जो हम a रखे हैं उसकी जगह हमें रखना चाहिए था a, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें रखना चाहिए था a प्लस एच, ये चीज़ दोनों जगह रखना चाहिए था ये कुछ लोग सोचेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a क्यों रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रखे थे a प्लस एच और यहाँ पे सिर्फ रखे थे a, तो a क्यों रखे हैं, क्योंकि यह मेरी जो है वन आई है तो इसका मतलब a में हम कुछ भी जो हम a में जब a माइनस था तो a में हमें कितने का डिफरेंस आया था, a में हमें 1 का डिफरेंस आया था ठीक है। यहाँ पे मेरे पास a माइनस एच में 1 का डिफरेंस आया था ठीक, और इसमें जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ a इक्वल टू 1 आ गया है ठीक। जब इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जब हम बाहर किए हैं तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, 1 आ गया है। तो 1 आ गया है तो मतलब h का तो यहाँ पे काम खत्म, क्योंकि यहाँ पे h जब कुछ और आ गया था तब ना h हो जाता, तो यहाँ पे मेरे पास जो a माइनस वाले में था उसमें a का डिफरेंस था ठीक है, 1 का डिफरेंस था और इसमें 1 का डिफरेंस नहीं है, इसमें 1 का डिफरेंस नहीं है इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ 1 रखेंगे रखे थे। तो 1 अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 रखते हैं तो बाहर निकल के मेरे पास क्या आ जाता, 1 आ जाता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम इसको a रखे थे। तो a से a मेरा कट गया ठीक है, a से a मेरा यहाँ पे कट गया था अंदर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे a से a मेरा कट गया था और यहाँ पे मेरे पास आ गया था 0 ठीक। तो कुछ इस तरह से हम उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में नहीं, इस चीज़ को डायरेक्ट हम यहाँ पे कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम सोचें कि नहीं समझ में आया होगा इसलिए यहाँ पे हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 मेरा अब कम्प्लीट हो गया।